ब्यूटीफुल व्यूअर्स आउट देयर, मैं हूं आपकी दोस्त गार्डियन वंस अगेन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम इन योर वेरी ओन चैनल जिसका नाम है ब्यूटी एंड फिटनेस मंत्रा विद गार्गी। सो गाइस, थैंक यू सो मच आपको। जस्ट यू नो, मैंने अभी जो वीडियो डाला था अबाउट माय पर्सनल फेवरेट फेशियल ऑयल स्कॉलिन, आपको बहुत पसंद आया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, एंड हमेशा मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि नेचुरली बिना मेकअप के स्किन को हेल्दी कैसे करें, वो आप जाके देख सकते हैं। दैट्स फ्रॉम देवे हर्ब्स, प्लीज़ जाके देखिए, नहीं देखा है। और अगर पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड यू नो जल्दी से ज्वाइन द फैमिली। एंड येस, नाउ वी आर द फैमिली ऑफ 28,000 एंड द एंटायर क्रेडिट गोज टू ईच वन ऑफ यू जिसने मेरे इस परिवार को सब्सक्राइब किया। थैंक्स फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग एंड लविंग मी। चलिए आज बात करते हैं द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक। लास्ट वाले वीडियो में भी काफ़ी यू नो रिक्वेस्ट आई थी, एंड मुझे इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी लोग DM करते हैं। एंड येस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, टू मच फन गार्गी शर्मा 290। एंड हमेशा जो आप मुझसे पूछते हैं वो है, प्लीज टेल अस समथिंग यू नो कि किस तरह हम हेयर फॉल को रोकें। गाइज, मैं यू नो ये मेरी आप बीती है, मॉनसून शुरू होते ही, एंड आपको पता है, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो कि मुंबई में इतनी हैवी रेन्स होती हैं, एंड मेरा हेयर फॉल गोज लाइक यू नो पूरे साल मेरा हेयर फॉल इतना नहीं होता है। यूजुअली टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे हेयर फॉल का इशू नहीं रहता है, बट द मोमेंट जुलाई ऑगस्ट यू नो दीज आर द मंथ्स जहाँ पे बारिश पीक पे होती है, एंड आई गेट सो मच ऑफ हेयर फॉल। मतलब साल भर में मेरे बाल इतने नहीं झड़ते जो वो 3 से 3.5 महीने में मुझे इतना मेजर हेयर फॉल होता है। एंड दिस टाइम आई जेन्युइनली थॉट ऑफ कंसिडरिंग अ डॉक्टर कि क्या प्रॉब्लम है, कोई हॉर्मोन्स का इशू है, क्या है जिसकी वजह से मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं। बट थैंकफुली यू नो बिफोर इवन गोइंग टू अ डॉक्टर आई फाउंड अ वेरी गुड ऑयल। डिस्क्लेमर, इट्स नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, आई वॉज जस्ट, आई एम श्योर आप सब भी रिसर्च करते हैं, शायद इसी वजह से आप इस वीडियो पे भी आए कि किस तरह हेयर फॉल को रोका जाए। आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू यू नो गूगल पे मैं देख रही थी, अमेजोन पे देख रही थी कि यू नो बेस्ट रिव्यू प्रोडक्ट्स कौन से हैं, एंड फाइनली आई केम अक्रॉस अ अमेजिंग अमेजिंग ऑयल। गाइज, दिस ऑयल आई डोंट थिंक आई विल एवर स्टॉप यूजिंग इन माई लाइफ, बिकॉज जो प्रॉब्लम सालों साल से मेरी यू नो ख़त्म नहीं हो रही थी, 3 to 4 months ये लॉकडाउन के पीरियड में मैंने इसको कंसिस्टेंटली लगाया ट्वाइस अ वीक, एंड आई हैव गॉट अमेजिंग रिजल्ट। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, लेट्स वॉच। ओके, सो इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ यू नो दिस ऑयल। अगर मैं इसके बेनिफिट्स आपको बताना शुरू करूं, या आप खुद भी अगर रिसर्च करेंगे, यू विल बी अमेज्ड, नॉट जस्ट अमेज्ड, ऑलमोस्ट शॉक्ड कि एक तेल यू नो इतनी सारी प्रॉब्लम्स की यू नो जो सल्यूशन है कैसे दे सकता है। लाइक दिस वर्क्स इन योर इनडाइजेशन, आपका गट बहुत क्लीन रहता है जिसकी वजह से आपके बाल और आपकी स्किन ओवरऑल जो आपकी इंटरनल हेल्थ है वो बहुत इम्प्रूव होती है। ये डेफिनेटली यू नो वेट लॉस में बहुत काम आता है, अगर आप इसे सुबह उठते ही यू नो खाली पेट लेते हैं, जस्ट 1 teaspoon विद वार्म वाटर, इट हेल्प्स रिमार्केबली इन वेट लॉस, एंड ऑफकोर्स इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग योर इंसुलिन। तो जिसकी वजह से जो डायबिटिक्स यू नो पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, या अगर आपको डायबिटीज़ है नहीं आपकी यू नो फैमिली हेरिडिटरी है, तो उसको भी यू नो ये प्रिवेंट करता है काफी हद तक। एंड दिस हेल्प्स इवन इन एंग्जाइटी, अगर आपको हेडेक है या एंग्जाइटी हो रही है, या आपको कोल्ड एंड कफ है, ये मतलब ऑलमोस्ट यू नो आई एम अमेज्ड कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स का ये सोल्यूशन है। अगर आपके मसल्स में आपको जॉइंट पेन होता है बहुत ज़्यादा, यू नो नीज में जॉइंट्स में आपके दर्द होता है, उसमें बहुत अच्छे से हेल्प करता है। सो बेसिकली यू नो इट इज़ एन ऑयल विच वर्क्स इन everything, and you know isme mention bhi hai that black seed oil has traditionally used for variety of conditions, treatments and in general well-being. Black seed oil is made from truly remarkable herb called nigella sativa, popularly known as kalonji and black seed. Safa black oil is carefully harvested and extracted with cold press method in order to ensure our oil is the highest standard. I absolutely agree कि इनकी quality बहुत अच्छी है. The oil is preferred over seeds as if pressed over seeds as it is 35 to 50% more potent and convenient to use.
और यू नो ऑलमोस्ट हर रिलीजन में इस ऑयल के बेनिफिट्स बताए गए हैं, एंड इस्लाम में यहाँ तक कहा गया है दैट ब्लैक सीड ऑयल इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ हीलिंग एंड इट कैन क्योर एवरी प्रॉब्लम एवरी डिजीज एक्सेप्ट डेथ. माई गॉड, लाइक हर डिजीज का क्योर है इस ऑयल में. मैंने इतने सारे फायदे ऑनेस्टली पर्सनली ना तो कभी किसी प्रोडक्ट के बारे में सुने. यस, एक्सपीरियंस मैंने ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए नहीं किया है, आई होप कि जरूरत भी ना पड़े, लेकिन इनमें से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है गिव इट अ ट्राई. बट टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ एंड यस ग्रे हेयर, सफेद बाल. सो आज जो यू नो द मेन रीजन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑयल इज दैट दिस ऑयल हैज सॉल्व्ड माई प्रॉब्लम ऑफ हेयर फॉल. अब हम में से आई थिंक आउट ऑफ 10 ऑलमोस्ट 8 पीपल गो थ्रू दिस प्रॉब्लम ऑफ हेयर फॉल एंड प्रीमैच्योर ग्रे हेयरिंग, यू नो बहुत कम एज में. मैंने बहुत से लोगों को सुना है दे आर जस्ट 15, 18, 20 एंड दे हैव ग्रे हेयर. टचवुड ग्रे हेयर का इशू मुझे नहीं है सो फार, लेकिन बाल मेरे बहुत झड़ रहे थे एंड आई गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हेयर फॉल होता क्यों है. लाइक यू नो अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस ऑयल. अगर आपने एक्सट्रीम वेट लॉस किया है या फिर आपकी डाइट में कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की कमी है या फिर वेदर चेंज, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे मॉनसून में बहुत हैवी हेयर फॉल होता है, बहुत स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तब भी होता है. यू नो दीज ऑल आर जनरल इशूज जिनकी वजह से एक्सट्रीम हेयर फॉल होता है. अब ये हेयर फॉल का इशू किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, किसी भी जेंडर में हो सकता है, बॉयज़ को, गर्ल्स को, एट एनी एज. सो इम्पॉर्टेंट इज कि आप अपने स्कैल्प को क्लीन रखें, हफ्ते में एटलीस्ट यू नो वॉश योर हेयर ट्वाइस एंड ऑयलिंग भी दो बार कीजिए. कई लोग कहते हैं कि यू नो ओवरनाइट ऑयलिंग करके नहीं रखना चाहिए, बट आई यू नो व्हेन आई यूज इट मैं रात को इसको अच्छे से अपने बालों में मसाज करके सोती हूँ एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग आई यू नो यूजुअली वॉश माई हेयर. सो ये जो ब्लैक सीड ऑयल है जिसको हम कलौंजी का तेल कहते हैं हिंदी में, ये जो है आपके बालों को बहुत स्ट्रेंथ देता है, 100% ऑर्गेनिक है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत बूस्ट करता है. जो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और यू नो जो आपके बालों को ज़रूरत होती है मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की, इट यू नो इंस्टेंटली जस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ इट. तो आपका जो स्कैल्प है वो बहुत स्ट्रांगली यू नो नए सेल्स फॉर्म करने लगता है जिसकी वजह से रीग्रोथ होती है. सो यू नो जो मेरा हेयर फॉल का प्रॉब्लम, एंड इफ यू विल सी द टेक्सचर, लाइक वंस आई वॉश इट द नेक्स्ट मॉर्निंग, यू नो इट्स अ वेरी लाइट वेट ऑयल ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि अगर हमने ऑयल लगा लिया तो बाल बहुत एक्सेसिवली ऑयली ग्रीसी हो गए, दो बार शैम्पू करके भी ऑयल नहीं निकल रहा है. नो, इट्स प्रीटी लाइट वेट एंड यू नो अगर आप इसे कंसिस्टेंटली यू नो यू हैव टू प्रॉमिस मी, ये मत बोलिएगा कॉमेंट सेक्शन में आके कि मैंने दो बार लगाया कोई फायदा नहीं हुआ. गाइज, स्किन केयर एंड हेयर केयर नीड्स टाइम, इट नीड्स लव एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट नीड्स फेथ. अगर आप भरोसे से लगाएंगे ना कि ये चीज़ काम करेगी, ट्रस्ट मी गाइज, इट विल वर्क. यू नो थोड़ा थोड़ा आपको वियर्ड साउंड कर रहा होगा, लेकिन जब मैंने ये जुलाई में यूज़ करना शुरू किया था, यू नो आई जस्ट यू नो इतना हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा था, आई हेल्ड द ऑयल एंड आई सेड आई होप इट वर्क्स एंड इट वर्क्ड. यू नो 4 महीने में मेरा हेयर फॉल ऑलमोस्ट बंद हो गया है. तो अगर आप यू नो आपकी शादी आने वाली है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, एंड इवन बॉयज़, यू नो बॉयज़ को बहुत अर्ली बॉल्डिंग की प्रॉब्लम होती है या फिर यू नो हेयर फॉल बहुत एक्सेसिव होने लगता है या बहुत जल्दी सफ़ेद बाल आने लगते हैं, दिस यू हैव टू ट्राई. इफ यू ऑलवेज आस्क मी कि मैं बालों के लिए क्या कर रही हूँ, इससे पहले मैंने कोई अपना यू नो एज सच हेयर के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया. येस यू नो फ्यू प्रोडक्ट्स विच आई यूज फॉर पैम्परिंग वंस अ मंथ, जैसे हेयर स्पा हो गया, उसके बारे में बताया, बट माई फेवरेट ऑयल इज दिस वन. स्पेशली नाउ आई एम नॉट एवर एबल टू यू नो आई थिंक आई विल स्टॉप यूजिंग इट. एंड वेन आई टॉक अबाउट द क्वान्टिटी, ये जो बॉटल मैंने मंगाई थी 200 ml की है एंड द प्राइज इज 530. सो दिस इज अ इंडियन ब्रांड सफ़ा एंड जैसे मैंने कहा नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो एंड आई लव वेन इंडियन ब्रांड्स डू सच अ ग्रेट जॉब विद द क्वालिटी. यू नो आई फील सो प्राउड, सो वोकल फॉर लोकल एंड यू नो 100% ऑर्गेनिक है
एंड सबसे अच्छी बात है दैट इट हैज नो आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस, बहुत लाइट वेट है, बहुत जल्दी आपके बालों में एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड यू नो इट कम्स इन प्लास्टिक बॉटल. वन सजेशन, इफ देर कैन यू नो जस्ट गो फॉर ग्लास बॉटल इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बॉटल. तो ऐसे ये आता है एंड ऑलरेडी मैं इसको हाफ से भी ज्यादा फिनिश कर चुकी हूँ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंसिस्टेंसी. ओके, सो ये जैसे मैंने कहा प्लास्टिक बॉटल में आता है, अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बता देती हूँ. जैसे कि मैंने कहा बहुत ही लाइट वेट है, लाइक यू नो कोई एडेड कलर नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस नहीं है. यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस. कंसिस्टेंसी भी बहुत लाइट है, तुरंत आपके स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाएगा, हेयर फॉल की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, सफ़ेद बाल भी नहीं होंगे और आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से स्टिम्युलेट होगी. लेकिन हफ्ते में दो. ओके गाइस, तो आपने कंसिस्टेंसी देख ली है, इसमें कोई भी यू नो एक्सट्रीम एक्सेसिव फ्रेगनेंस नहीं है. जो एक धीमी धीमी सी जो इसमें से खुशबू आती है वो ओरिजिनल जो कलौंजी में आप अपनी किचन में भी देखेंगे उसमें से भी वैसी महक आएगी. तो इसमें यस कलौंजी की जो ओरिजिनल कलौंजी होती है, ब्लैक सीड होता है, वैसी ही अच्छी सी बहुत माइल्ड स्मेल आती है, वेरी जेंटल. देर इज़ नो एडेड कलर. जो कलौंजी का कलर होता है जो आपके बालों में यू नो ग्रे हेयर को आने से रोकेगा वही है. एक्स्ट्रा बाहर का कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है. ये ओमेगा में बहुत रिच है और यू नो द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल सोर्स ऑफ थाइमोक्विनाइन, यू नो. तो जो आपके बालों की हेयर ग्रोथ को बहुत फास्ट करता है और आपके हेयर फॉल को रोकता है. सो गाइज, आपको मैंने बताया अगर हेयर फॉल रोकना है, सफ़ेद बालों को आने से रोकना है, तो प्लीज़ आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा. इसको आपको कंसिस्टेंटली हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना पड़ेगा. एंड प्लीज गाइज, जब भी आप हेयर ऑयलिंग करते हैं बी जेंटल. यू नो मैंने देखा है कई लोग बहुत ज़्यादा जब मसाज करते हैं दे बिकम ऑलमोस्ट सो अनकाइंड टू देयर हेयर कि उससे भी बाल बहुत झड़ते हैं. मैंने भी ये गलती की है पास में. सो बी जेंटल जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो और आपकी हेयर ग्रोथ इम्प्रूव हो. लेकिन हफ्ते में 2 से 3 बार आपको इसे लगाना है एंड गिव एटलीस्ट 1 month. यू विल कम बैक टू दिस वीडियो एंड यू विल टेल मी कि बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, हेयर फॉल रुका है, सफ़ेद बाल आने रुके हैं और हेयर ग्रोथ शुरू हो गई है. सो पीपल हु हैव ऑलवेज आस्क्ड मी कि यू नो आप बालों के लिए क्या करते हो, सो आई वॉन्टेड टू शेयर दिस ऑनेस्ट वीडियो. अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो गाइज, प्लीज़ थोड़े मोटिवेशन की मुझे भी ज़रूरत है कि मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ. और जो भी लोग प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच. इट रियली मोटिवेट्स मी टू कम अप विद न्यू वीडियोज. यू गाइज आर एक्सट्रीमली लविंग एंड काइंड. आई लव यू ऑल एंड यस आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन एज आई ऑलवेज से स्टे हैप्पी, stay beautiful.